हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं एक रशियन एक्शन एडवेंचर फिल्म मेजर ग्रोम प्लेग डॉक्टर की, जिसे डायरेक्ट किया है ओलेग ट्रोफिन ने। एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले हैं 6.4 out of 10। एंड ये मूवी एक रशियन कॉमिक पर आधारित है। गाइस, मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको नए चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। आपने बचपन में कोई है के बारे में तो बहुत सुना होगा और आई थिंक आप सबने उसको देखा भी होगा। सो इसी नाम से मैंने अपना न्यू चैनल बनाया है, जिसपे आपको सारा का सारा हॉरर कंटेंट मिलेगा, जो आप सबको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको लिंक दे दिया जाएगा। सो प्लीज जाके उसे चेक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ शरारती बच्चों को एक डॉग को परेशान करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक और बच्चा आकर उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहता है, जिस पर अब उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हमें 20 साल आगे ले जाया जाता है, जहाँ एक बड़ा ही काबिल पुलिस वाला कुछ बैंक रॉबर्स को पकड़ रहा था। उसका नाम आइगर ग्रोम था। वो इतना ज्यादा होशियार था कि वो पहले से ही सभी तरह की पॉसिबल सिचुएशन को नाप तौल लेता था और फिर बेस्ट पॉसिबल तरीके से दुश्मन को मार गिराता। बिल्कुल उसी वे में जैसे शेरलॉक होल्मेस दुश्मन की फाइटिंग स्किल्स को भाप कर अलग अलग सिचुएशंस बताते थे, उसी वे में हमारा क्रोम उन रोबर्स को पकड़ लेता है। लेकिन इस बीच उसके सीनियर, जो अपने शहर की साफ और सुरक्षित सड़क का भाषण दे रहे थे, वहाँ वो रॉबर्स को पकड़ते वक्त सड़क में इकट्ठी और चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा कर देता है। फिर कुछ समय बाद पुलिस स्टेशन में एक न्यू ट्रेनी कॉप बनने आता है, जिसका नाम डीमा डुबिन था। वहाँ फिर क्रोम आता है, जहाँ उसके सीनियर उसको बहुत डांटते हैं आज सुबह वाले इंसिडेंट पर। वहाँ बाहर बैठे पुलिस वालों को तो लगने लगता है कि आज इसकी नौकरी गई, इसलिए वहाँ मौजूद लोग उस पर सट्टा लगाने लगते हैं कि आज ये सस्पेंड होगा या नहीं। उसका सीनियर गुस्से में उसको रिजाइन पेपर साइन करने के लिए कह देता है, जिस पर वो साइन भी कर देता है। वो सट्टा हार जाता है, लेकिन बाहर निकलते वक्त सीनियर खुद ही वो रिजाइन पेपर फाड़ देता है और सट्टे में जीता हुआ सारा पैसा क्रोम एक बूढ़े आदमी को दे देता है, जो वहाँ पर अपना पर्स खो जाने की रिपोर्ट लिखवाने आया था। क्रोम को एक केस मिलता है, जिसपे एक बिगड़े हुए अमीर जादे ने एक अनाथालय की छोटी बच्ची पर कूल बनने के चक्कर में कार चढ़ा दी, जिससे वो वहीं पर मर गई। उस बच्ची का मुंह बोला बड़ा भाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस लड़ता है, लेकिन वो कोर्ट को ही खरीद लेता है, जिससे उसे और क्रोम दोनों को बहुत गुस्सा आता है। उसका नाम एलेक्सी था, लेकिन क्रोम इसमें कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप एलेक्सी को शांत करवा के वहाँ से चला जाता है। क्रोम वहाँ उस बच्ची के टीचर से भी मिलता है और उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे याद करना। वहीं पे दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट, जिसने अपनी नई AI बनाई थी जो बहुत ज्यादा एडवांस थी, वो की प्रदर्शनी करता है। साइंटिस्ट का नाम गोरोशको था। असल में वो वहाँ पर अपनी एक ऐप के बारे में बताता है जो उसने बनाया है। वो एक इंस्टा फेसबुक जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस पर लोगों की प्राइवेसी का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। मीन्स उसमें हर चीज के अंदर इंक्रिप्शन था, जिसको पुलिस वगैरह भी नहीं तोड़ सकती थी। गोरोशको के साथ एक वॉल्कोव नाम का साथी भी था। वो जब भी नर्वस होता तो वॉल्कोव भी उसकी हिम्मत बढ़ाता। वहाँ फिर गोरोशको के पास भी न्यूज आती है कि कैसे वो अमीर ज्यादा अमीर होने की वजह से बच गया, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वॉल्कोव से डिस्कस करने लगता है। पैसा इंसान का जस्टिस तक छीन लेता है, और जो कि बहुत गलत है, जिस पर वॉल्कोव उसे ये वादा करके वहाँ से चला जाता है कि अब वो सब ठीक करके ही दम लेगा। वहीं रात को हमें क्रोम और उसके सीनियर को उसके ही घर पर गप्पे मारते हुए दिखाया जाता है। असल में उसका सीनियर और क्रोम के पापा एक जमाने में काफी अच्छे दोस्त थे, और सीनियर क्रोम को अपने बेटे जैसा ही मानता था। वहीं फिर क्रोम के पास ये न्यूज आती है कि एलेक्सी अनाथालय से गायब हो गया है, जिस पर वो समझ जाता है कि वो उस अमीर जादे के घर ही गया होगा। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचता है, वो उसको मार चुका था। उसने एक बैटमैन जैसी पोशाक पहन रखी थी, लेकिन उसका मुंह क्रो जैसा था। उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो फ्लेम छोड़ सकती थी, जिससे उसने अमीर जादे को मारा। वहीं जब क्रोम उसे जाकर रोकने की कोशिश करता है और उसके ऊपर पीछे से एक पत्थर फेंकता है, लेकिन वो बहुत स्पीड और स्टाइल में उसकी फेंकी पत्थर को पकड़ कर दूर फेंक वहाँ से चला जाता है। ये देख क्रोम बहुत हक्का पक्का रह जाता है। अगले दिन वो उस क्रोमैन की डिटेल्स अपनी बाकी साथियों को देता है, लेकिन सब उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन डुबिन नाम का एक नया ट्रेनी वहाँ आकर उसके बताए गए हुलिये के अकॉर्डिंग स्केच उसे बनाकर देता है। वहाँ फिर वो एलेक्सी से बात करता है, जो पुलिस के रिमांड में था, क्योंकि एलेक्सी पर ही सबका शक जा रहा था। लेकिन
सिर्फ क्रोम को ही पता चला था कि एलेक्सी के पास इतनी सुपर स्पीड हो ही नहीं सकती। अब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना वो शुरू करता है और फिर रात को अपने घर जाता है, जहां उसे कुछ बदमाश एक लड़की को छेड़ते हुए मिलते हैं। वो उन बदमाशों को पीट कर लड़की को कम्फर्टेबल करने के लिए अपने घर ले जाता है, जहाँ लड़की उसे चाय बनाने के लिए कहती है। लेकिन इस बहाने से लड़की को मौका मिल जाता है और वो चुपके से उस क्रोमैन के स्केच की फोटो खींच लेती है और वहाँ से चली जाती है। असल में वो बदमाश उस लड़की के ही आदमी थे और वो लड़की एक रिपोर्टर थी। वहीं पर वो क्रोमैन गोरोशिको के पास जाता है और अपना मास्क उठाता है। गाइस, असल में वो क्रोमैन कोई और नहीं बल्कि वोल्को भी था। गोरोशिको उससे ये सब करने के लिए मना करता है कि चाहे तुम्हारा इरादा सही हो, लेकिन तुम किसी की जान नहीं ले सकते। ये सूट गोरोशिको ने ही बनाया था, लेकिन वोल्को उसकी बात नहीं मानता और वो आगे भी ऐसे ही मर्डर्स करता है और ऐप वाली साइट पर अपलोड कर देता है, ये कहकर कि मैं आपके बीच नया हीरो हूँ और जितने भी अमीर ज़ादे हैं हमारे शहर में जो बाकी लोगों की परवाह नहीं करते, मैं उन सबको मारने आया हूँ। और अपना नाम वो प्लेग डॉक्टर बताता है। लोगों को उसकी थिंकिंग बहुत अच्छी लगती है, जिससे एक ही दिन में उसके मिलियंस फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। वो अब शहर के लोगों के लिए देवता से कम नहीं था, लेकिन जब ये बात क्रोम को पता चलती है तो वो तुरंत क्राइम सीन पर आकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसको ये केस दे दिया गया था। क्रोम के सीनियर भी अब उस पुलिस ऑफिसर के अंडर में ही था, उसका नाम एल्बर्ट था। अब इस बात से क्रोम को बहुत बुरा लगता है। फिर उसे रेफ्रिजरेटर्स चोरी होने के केस दे दिया जाता है, जिसमें जुबिन उसका साथ देता है। असल में वो इस केस की आड़ में प्लेग डॉक्टर का ही केस सॉल्व करता है, जिसके लिए वो अपने पुराने दोस्त के पास जाता है, जिसका स्मगलिंग डीलिंग जैसा कारोबार था। उसका दोस्त प्लेग डॉक्टर के बारे में तो कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो उसे उन सभी गुंजों और उन सभी लोगों के नाम देता है जो ऐसा सब कर सकते थे। इसलिए उनका नाम पाने के बाद वो एक एक करके उन सभी गुंजों को मार कर खत्म कर देता है और अब लास्ट में उस लिस्ट के अंदर गोरोशिको का नाम बचता है, इसलिए वो वहाँ जाता है। वहाँ वो उसके पास महंगी महंगी चीज देखता है, जिस पर वो बताता है कि बचपन में मैं दूसरे अमीर लोगों को देखकर जलता था, इसलिए अब मैंने खुद ही ये सारी चीजें खरीद ली। वहाँ उसे कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाता, लेकिन अजीब बात ये थी कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स जैसी बातों को बहुत ज्यादा ही कर रहा था। वहीं फिर थोड़ी देर बाद उसे वही लड़की जो उसका स्केच की फोटो खींच कर ले गई थी, उसे वो न्यूज में दिखती है। वो उसी की स्केच टीवी पर दिखाकर ये कह रही थी कि प्लेग डॉक्टर का स्केच पुलिस के पास पहले से ही था, जिसको पुलिस ने हमेशा छुपाया। वो इनडायरेक्ट वे में पुलिस पर निशाना साध रही थी, उसका नाम यूलिया था। वहीं फिर यूलिया जब अपने अपार्टमेंट में आती है तो ग्रूम को देखती है, जिसको सब पता चल चुका था। यूलिया कहती है कि यही मेरा काम है और इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं, जिस पर ग्रूम उसे एक प्यारा सा गुड बाय बोलकर चला जाता है। फिर जब यूलिया बाथरूम चेक करने जाती है तो वो अपने लैपटॉप को वहाँ बात लेते हुए देखती है। वहीं प्लेग डॉक्टर के मर्डर्स कंटिन्यू थे और उसने इस बार तो हद ही कर दी। उसने एक इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसकी वजह से शहर में कूड़ा फैला था, उसे किडनैप कर उसकी बीवी बच्चे समेत उसे मार डाला। जिसे सुनकर गोरोशिक अब वोल्कोव से बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा, जिस पर वो उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि लेकिन तुम पुलिस को कहोगे क्या कि इतने सारे जो पहले मर्डर्स हुए तुम्हें उनके बारे में पता था। वो वोल्कोव से भीख भी मांगता है और रोता भी है, लेकिन वोल्कोव नहीं मानता। अब शहर में भी दंगे होने लगे थे, क्योंकि लोग अब प्लेग डॉक्टर की नक्शो कदम पर चलते हुए बुरे और अमीर लोगों को उनके परिवार सहित मारने लगे थे। अब क्रोम और जुबिन को एक कसीनो के बारे में पता चलता है, जहां आज रात शहर के सारे रईस लोग आने वाले थे, इसलिए वो वहीं जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि प्लेग डॉक्टर अपना अगला शिकार वहां जरूर ढूंढेगा। लेकिन क्रोम जुबिन के रिक्वेस्ट करने पर भी उसे अपने साथ नहीं लेकर जाता, क्योंकि उसे अकेले मिशन सॉल्व करने में मजा आता था। फिर वो वहां जाता है जहां उसे यूलिया भी मिलती है, जो अपनी रिपोर्टिंग के लिए वहां भेस बदल कर आई थी। वहां उसे यूलिया से ये पता चलता है कि गोरोशिको जैसे दिखता है वैसा नहीं है। वो हथियार बनाने में भी उस्ताद है और उसने यूएस के साथ काफी वेपन्स बनाने की भी सीक्रेट डील कर रखी है, जिससे अब उसका शक गोरोशिको पर भी जाने लगता है। वहां गोरोशिको भी आया था, जो उस कैसीनो के मालिक से अकेले में बात करता है और उसे कहता है कि आपने इस जगह जो पहले से ऐतिहासिक इमारत थी उसे अपनी पावर के दम पर तोड़वाया, जो कि अच्छी बात नहीं थी। अब इस बात से वो काफी गुस्सा होता है और अपने बॉडीगार्ड से गोरोशिको को वहाँ से बाहर निकलवाने लगता है। लेकिन तभी बहुत सारे प्लेग डॉक्टर वाला मास्क पहने वहाँ लोग आ जाते हैं। वो सब
लोग ही शहर में दंगा मचाया करते थे और जब उन्हें ये पता चलता है कि सारे रईस लोग एक जगह हैं तो उन्होंने उन सबको एक साथ ही निपटाने की सोची। वहाँ गोरुशो को आकर उन्हें लड़ाई झगड़ा ना करने के लिए भी कहता है लेकिन वो लोग उसे ही पीट देते हैं। और तब वहाँ ग्रोम सामने आता है और सबको एक एक करके पीटने लगता है जिसमें उन लोगों का मांस खट जाता है। उनमें से एक एलेक्सी भी था और ये देखकर ग्रोम को बहुत शौक लगता है। वो अपनी छोटी बहन के मर्डर के बाद से ही इन सब में इन्वॉल्व होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट ने जबरदस्ती डुबिन से ये उगलवा लिया था कि ग्रोम इस केस में काम कर रहा है और वो अब कैसीनो में है। जिसके बाद एल्बर्ट अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ हमला बोल देता है जिसमें बहुत सारे दंगे पकड़े जाते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ एल्बर्ट ग्रोम को भी सस्पेंड कर देता है जिससे वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। यहाँ यूलिया आकर उसे अपनी फोन की वीडियो दिखाती है जिसमें ग्रोम बहुत अच्छे से उनसे फाइट कर रहा था लेकिन ग्रोम पहले से बहुत उदास था इसलिए गुस्से में आकर वो उसका फोन तोड़ देता है। अब बेट में उसने इस बार ये पैसे लगाए थे कि वो सस्पेंड होगा तो सट्टा जीतेगा जिस पर जीतने के बाद वो ताना देने के रूप में जीते हुए सारे पैसे डुबिन को ही दे देता है। फिर रात को भी वो अपने सीनियर के घर पर जाता है जहाँ दोनों फैमिली और रिलेशन की बातें करते हैं। जिससे इमोशनल हो वो तुरंत यूलिया के घर जाकर उसे नया फोन गिफ्ट करता है और उसका लैपटॉप और फोन तोड़ने के लिए माफी मांगता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन ग्रोम गोरुशको की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके बचपन के स्कूल में जाता है जहाँ उसकी पुरानी कई पेंटिंग्स दिखती हैं जिसमें उसने वही क्रोमैन बना रखा था जिससे उसे समझ आ जाता है कि वही प्लेग डॉक्टर है। वहाँ उसको उसके दोस्त वॉल्कॉप के बारे में भी पता चलता है जो एक साल पहले ही मर चुका था। वहीं अब वो सीधे गोरुशको के पास जाकर उससे उसके सूट की तारीफ करता है जिससे वो समझ जाता है कि ये मेरे को ही प्लेग डॉक्टर समझ रहा है लेकिन वो उसे बताता है कि ये मैं नहीं हूँ वो वॉल्कॉप है। वहाँ वॉल्कॉप चलते हुए उसके सामने आता है जिस पर गोरुशको कहता है कि देखो ये रहा वो लेकिन असल में वहाँ पर कोई नहीं था। और यहाँ से मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि असल में वॉल्कॉप तो एक साल पहले ही मर गया था लेकिन उसके इमोशंस और उसकी बातें अभी तक गोरुशको के मन में ही थी जो उस पर अब हावी होने लगी थी। उसको वॉल्कॉप अब भी याद आता है जिसकी वजह से उसको स्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया था जिसके अंदर वो कुछ समय के लिए वॉल्कॉप बन प्लेग डॉक्टर का रूप प्ले करता था। अब उसे खुद भी ये बात समझ आ गई थी जिसके बाद वो उसको बेहोश कर देता है लेकिन अब भी गोरुशको ये कह रहा था कि वॉल्कॉप तुम बुरे हो तुम निकल जाओ मेरे दिमाग से लेकिन वॉल्कॉप नहीं मानता और जब गोरुशको सुसाइड करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता। वहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जो हमें तीन बच्चे दिखाए थे उनको उस बच्चे ने जलाकर मार डाला था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि गोरुशको ही था। फिर वो ग्रोम की बॉडी को प्लेग डॉक्टर का सूट पहना उसके पीछे पुलिस लगवा देता है जिससे एट लास्ट डुबिन ही पकड़ा जाता है। अब सबको ये लगने लगता है कि वही प्लेग डॉक्टर है इसलिए पुलिस उसको जेल में डाल देती है। वहाँ फिर जेल में लॉयर का भेस बना कर यूलिया उससे मिलने आती है लेकिन ग्रोम उसे वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे अभी भी अकेले केस सॉल्व करने का भूत सवार था। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ डुबिन आकर उसे जेल से बाहर चुपके से निकलवा देता है। वो यूलिया के साथ यूलिया के ही गाड़ी में बैठ वहाँ से चला जाता है। वो अपने पिता की पुरानी वर्कशॉप में जाता है जहाँ से बाइक पर बैठ लड़ाई का सारा सामान ले वो तुरंत गोरुशक के पास जाता है। वहाँ गोरुशको खुद उसका वेलकम अपना प्लेग डॉक्टर वाला सूट पहनकर करता है और उस पर हमला करता है लेकिन इस बार ग्रोम फुल तैयारी के साथ आया था और वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर की CO2 गैस को चारों तरफ छोड़ वो उस पर हमला करता है। उसकी फ्लेम वहाँ नाकाम हो जाती है जिससे ग्रोम भारी पड़ने लगता है और वो उसकी मशीन को उखाड़ वहाँ से फेंक देता है। लेकिन गोरुशको ने भी इस सिचुएशन का बैकअप बना रखा था और वो तुरंत एक वीडियो अपलोड कर देता है जिसमे प्लेग डॉक्टर दबंगियों को और ज्यादा उकसा कर पूरे शहर पर हमला करने के लिए कह रहा था जिससे अब चारों तरफ दंगा फसाद होना शुरू हो जाता है। पुलिस तुरंत ग्रोम के घर जाकर उसे देखने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ उससे सिर्फ प्लेग डॉक्टर का सूट मिलता है जिनसे उनका शक और बढ़ जाता है कि वही प्लेग डॉक्टर है। वो उसके सूट को पुलिस स्टेशन में सबूत के तौर पर ले जाते हैं लेकिन गोरुशको ने उसके अंदर बॉम्ब फिट कर रखा था जिससे पुलिस स्टेशन वहीं तबाह हो जाता है और उसमें सभी पुलिस वाले मारे जाते हैं। ये सब देखकर क्रोम को काफी ज्यादा दुख होता है लेकिन अब गोरुशको कहता है कि
इस सब का जिम्मेदार भी अब तुम्हें ही माना जाएगा, क्योंकि तुम ही उनकी नजरों में प्लेग डॉक्टर हो। और फिर धीरे धीरे मेरे उन दबंगियों को उकसाने की वजह से पूरा शहर तबाह हो जाएगा। फिर मौका पाते ही गोरुश को फिर से अपना दूसरा सूट पहन लेता है और उस पर हमला कर देता है। और इस बार गोरुश को उसको मार ही देने वाला होता है कि तभी वहाँ जुबिन और यूलिया आ जाते हैं। वो उस पर वाटर पाइप से हमला करता है, लेकिन गोरुश को अब उसको भी ओवरकम कर उन्हें ढूंढने लगता है। वो सब सोफे के पीछे छुप गए थे। फिक्रोम अपने सिचुएशन एनालाइज करने की स्किल का यूज करता है, लेकिन हर केस में उसको हारते हुए यूलिया या डुबिन में से कोई ना कोई मारा जाता है। इसलिए अब आखिरी में उसके पास एक केस बचता है जिसमें वो उसको गोद में उठा उसको साथ लेकर खुद भी नीचे गिर सके। अब क्योंकि यही लास्ट चारा था इसलिए वो ऐसा ही करता है, लेकिन एन मौके पर वो दोनों उसे पकड़कर बच जाते हैं। और फिर गोरुशकों को चेयर से बांध दिया जाता है, जहां उनको ये जब चिंता होती है कि अब प्लेग डॉक्टर ग्रोम को ही समझा जाएगा, तब वो बताती है कि उसने वो बात सारी रिकॉर्ड कर ली है जो ग्रोम ने गोरुशकों के साथ की थी। असल में उसने ग्रोम की शर्ट पर एक स्पाई कैमरा लगा रखा था, जिससे अब सबको बहुत खुशी होने लगती है। वहीं ग्रोम का वो स्मगलर वाला साथी अपनी पूरी गैंग को लेकर दबंगियों को रोकने लगता है, जहां अब आर्मी भी आ जाती है, जिससे सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाती है। अब एल्बर्ट अपनी पूरी फोर्स लेकर ग्रोम को अरेस्ट करने के लिए आता है, लेकिन वहां ग्रोम का सीनियर ही एल्बर्ट को जोर का थप्पड़ लगा ग्रोम से गले लगता है, क्योंकि अब उनके पास उनकी बेगुनाही का सबूत था। फिर गोरुशकों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद गवर्नमेंट को भी अपने कानून में गड़बड़ दिखती है और वो बेस्ट पॉसिबल कानून फिर से अपडेट करती है, जिसमें गरीबों को भी जस्टिस मिल सके। अब क्रोम, यूलिया और जुबिन एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर मस्ती वाला टाइम स्पेंड करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।